क्या आप असली कारण जानते हैं कि राजा हेरोदेस ने यीशु मसीह के जन्म लेने पर उन्हें मरवाना क्यों चाहा? क्यों राजा हेरोदेस ने बैतलहम और उसके आसपास के नगरों में सभी बच्चों को मरवा डाला? तकरीबन सब जानते हैं कि राजा हेरोदेस ने यीशु मसीह को इसलिए मरवाना चाहा क्योंकि उसे डर था कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो राजा बनेगा और उसे उसकी कुर्सी से हटा देगा। पर क्या सिर्फ यही कारण था कि हेरोदेस ने यीशु मसीह को मरवाना चाहा? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, एक ऐसा भेद है जो ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा। और इसे समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब इसहाक अपने बच्चों को आशीष दे रहा था। इसहाक के दो बेटे थे, पहला था एसाव और दूसरा याकूब। उत्पत्ति अध्याय 27 उसकी एक आयत में लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू मैदान में जा और शिकार करके ले आ और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले जी भर के तुझे आशीर्वाद दूं। अब एसाव तो शिकार करने चला जाता है, पर उसके पीछे से याकूब एसाव के कपड़े पहनकर एसाव के भेष में अपने पिता के पास आता है और जो आशीष एसाव को मिलनी थी वो याकूब ले लेता है। अब इसहाक याकूब को एसाव समझकर आशीष दे देता है। उत्पत्ति अध्याय 27 उसकी 29 आयत में इसहाक ने याकूब को आशीष देकर कहा, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। अब एसाव जब शिकार करके आता है तो क्या देखता है कि याकूब धोखे से उसकी आशीष लेकर चला जाता है। उत्पत्ति अध्याय 27 उसकी 38 आयत में एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। ये कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। और उत्पत्ति अध्याय 27 उसके 39 आयत में इसहाक ने एसाव को आशीष देते हुए कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। 41 आयत में लिखा, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर उसके बाद मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। इसहाक ने अपने आशीर्वाद में एसाव से कहा था कि तू अपनी तलवार से जीवित रहेगा और अपने भाई याकूब के अधीन रहेगा। एसाव अपनी आशीष के खो जाने पर इतने गुस्से में आता है कि वो याकूब को मारने का ठान लेता है, पर याकूब एसाव से बचकर अपने मामा लाबान के घर भाग जाता है। अब याकूब के बच्चे, उसका वंश, वो सब इजरायली कहलाए, पर एसाव का क्या हुआ? एसाव का भी वंश हुआ जिन्हें एदोमी कहा जाता है। एदोमी लोग एसाव का वंश थे और इजरायली लोग याकूब का वंश थे। अब इजरायली तो मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर ने मूसा के जरिए उन्हें उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। जब इजरायली मिस्र देश छोड़कर कनान देश को जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एदोमियों के देश से गुजरकर जाना था, पर एदोमियों ने उन्हें अपने देश से गुजरने के लिए अनुमति नहीं दी। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि वे किसी एदोमी से घृणा ना करें क्योंकि वे तुम्हारे भाई हैं। अब चाहे एदोमी लोग इजरायलियों के भाई थे, पर वो इतने आत्मिक लोग नहीं थे। कई बार उन्होंने इजरायलियों पर हमला किया। वे इजरायलियों के दुश्मनों के साथ मिलकर इजरायलियों पर हमला करते थे। 2 शमूएल अध्याय 8 में राजा दाऊद ने एदोमियों पर जय प्राप्त की। 14 आयत में लिखा, फिर दाऊद ने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बिठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बिठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। आखिर ये वही भविष्यवाणी और वही आशीष थी जो इसहाक ने अपने बेटों को दी थी। एसाव का वंश याकूब के वंश के अधीन होकर रहने लगा, यानी कि इजरायली एदोमियों पर राज्य करने लगे और एदोमी इजरायलियों की सेवा करते थे, वो उनके अधीन होकर रहते थे। पर रोमी सरकार के दिनों में एक हैरान करने वाली बात हुई। एक एदोमी मनुष्य यानी कि एसाव का बेटा इजरायल का राजा बना। तो अब एसाव का बेटा यानी एसाव का वंश इजरायली यानी याकूब के बच्चों के ऊपर राज्य करने लगा। क्या आप जानते हैं उस एसाव के बेटे का नाम क्या था? उसका नाम था राजा हेरोदेस।
राजा हेरोदेस एसाव के वंश में से था और ये वही पुरानी लड़ाई, वही पुराना युद्ध चल रहा था जो एसाव और याकूब में था। एसाव अपने पहलोठे के अधिकार के लिए, अपनी आशीष के लिए लड़ रहा था। वो अपनी आशीष हासिल करना चाहता था, वो याकूब के ऊपर, इसराइल के ऊपर अधिकार करना चाहता था। पर एक खुशखबरी आपके और मेरे लिए जन्म लेती है, यीशु मसीह का जन्म होता है। और क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किसके वंश में से हुआ? वो याकूब के वंश में से पैदा हुए, वो इसराइल के वंश में से थे। यीशु मसीह के पास असली जन्म सिद्ध अधिकार है, असली आशीष है, अधिकार करने की, राज्य करने की, प्रभुता करने की। इसहाक ने याकूब को आशीष देते समय कहा था कि राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, यानी कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, यानी कि यीशु मसीह के सामने राज्य राज्य के लोग दंडवत करेंगे, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। तो अब हमारे पास दो राजा हैं, एक है असली राजा, दूसरा है नकली राजा। एक है याकूब और दूसरा है एसाव, एक है यीशु मसीह और दूसरा है हेरोदेस। जिस तरह एसाव ने याकूब को मारना चाहा, उसी तरह हेरोदेस ने भी, जो कि एसाव का ही बेटा है, यीशु मसीह को मारना चाहा, जो कि याकूब का बेटा है। तो ये रहस्य, ये रेवलेशन हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें। बिना आशीषों के अब अपनी जिंदगी उस आशीष की कमी को पूरा करने में बिता देंगे जो आपकी है ही नहीं, और ना ही आपके कामों और आपकी स्कीम्स के द्वारा वो पूरी होंगी। अगर आपके ऊपर आशीष बोली ही नहीं गई, तो आप जो मर्जी कर लो, आप उस आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते। आपकी ताकत, आपकी चलाकियां कुछ नहीं कर पाएंगी। आज लोग इसीलिए आशीषित नहीं है क्योंकि उनके ऊपर आशीष की घोषणा नहीं है, उनके पास आशीष का अधिकार है ही नहीं। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके बड़े बड़े घरों को देखकर ये सोचते हैं कि वो आशीषित हैं, तो ये आपका वहम है। क्योंकि अगर ये आशीष होती तो आज बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स आज सुसाइड नहीं करते। करो रिसर्च, पता चलेगा आपको कि कितने ही एक्टर्स, कितने ही अभिनेता कैंसर से पीड़ित हैं, HIV एड्स से पीड़ित हैं, और उनका पैसा, उनकी शोहरत उनको बचा नहीं पाती। बाइबल बताती है जो आशीष यहोवा देता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आज महीने का 10,000 कमाने वाला जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उस 1 करोड़ कमाने वाले करोड़पति से जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता, उससे कहीं ज्यादा शांति में, उससे कहीं ज्यादा सुखी और आशीषित है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, पर वो आशीष सिर्फ याकूब के वंश में आकर ही हमें मिलती है, और याकूब का वंश है प्रभु यीशु मसीह। तो मायने नहीं करता कि आपने अपने बचपन में कोई आशीष ग्रहण की या नहीं, आपके रिश्तों में आपको प्यार मिला या नहीं, मायने नहीं करता कि आप पाप की गुलामी करते आए हैं, मायने नहीं करता कि आपने किस घर में जन्म लिया, मायने नहीं करता कि आपके जीवन में अब तक क्या होता आया है। आपको एसाव की तरह, दूसरे लोगों की तरह अपनी आशीषों के लिए तड़पने की, तरसने की जरूरत नहीं। अगर आप परमेश्वर में नया जन्म ले चुके हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो आप अब याकूब के बेटे, याकूब की बेटी, याकूब के बच्चे हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। अब आपकी आशीषें आपका अधिकार है। अब ग्रहण करो अपने स्वर्गीय पिता से अपनी आशीषों को, ग्रहण करो अपने जन्म सिद्ध अधिकार को। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारा राजा है, अगर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो आप याकूब के राज्य के हैं, आप उस राज्य के वासी हैं, आप वहाँ के सिटीजन हैं जिन्होंने अपनी आशीषों को ग्रहण कर लिया है, जिन्हें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती, ना ही कभी होगी। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह जमीनों की रजिस्ट्री होती है, आपके प्लॉट, आपके घरों की रजिस्ट्री होती है, उसी तरह इस पूरी धरती की भी एक रजिस्ट्री है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस धरती की रजिस्ट्री किसके नाम पर है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं कहते, स्वर्ग में यीशु मसीह को किस नाम से पुकारा जाता है? इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप फिल्म प्रोडक्शन के लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट के जरिए अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। आप cato.org पर भी अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।